की 6 लाइन बना रहे हैं, आप लोग देख सकते हो इसकी चौड़ाई। हाँ तो है भाई लोग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों ये मैं आ गया हूँ नहाने, ये कुआं है और इधर बोर चल रही है और आप लोग देख सकते हो कि कपड़ा वपड़ा भी साफ करना है तो थोड़ा सा लेट लगेगा नहाने में, तो चलिए नहाते हैं फिर मिलते हैं। हाँ तो भाई लोग नहा लिए, खाना खा लिए, मतलब खाना पीना भी हो गया, अब चलते हैं खेत साइड। बहुत दिन हुआ खेत साइड नहीं गया हूँ। तो भाई लोग आ गए खेत साइड, धान भी देख लिए हैं, मतलब धान कुछ दिन बाद कटाई करने लायक हो जाएगा, और बाकी धान तो नहीं हुआ है क्योंकि अभी थोड़ा सा हरा भरा दिख रहा है, तो कुछ दिन बाद धान भी कटाई होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा पानी गिर रहा है तो मुश्किल लग रहा है धान कटाई। तो दोस्तों धान वान तो देख लिए, अब जा रहे हैं, रवि भाई बुला रहे हैं, कहीं उड़ीसा बॉर्डर जाएंगे बोल रहे हैं, तो चलिए उड़ीसा बॉर्डर का भी नज़ारा आप लोगों को दिखा देते हैं। हाँ तो दोस्तों ये है, हमें ये रोड निकालेगा वाइजेक, जो कि 6 लाइन बना रहे हैं, आप लोग देख सकते हो इसकी चौड़ाई बहुत बड़ा है। हाँ 6 लाइन है दोस्तों, ये डायरेक्ट हमको निकालेगा विशाखापट्टनम, लेकिन थोड़ा सा लेट है, लगभग 4-5 साल लगेंगे इसको बनने में, तो सोचा इधर आ रहे थे तो इसको ये मिला तो आप लोगों को भी दिखा दूं। हाँ तो भाई लोग आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हिंदी में प्रधानमंत्री आवास योजना लिखा है, मतलब आवास योजना ग्रामीण, और यहाँ पर उड़िया में लिखा है, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ क्या है, लेकिन शायद यहाँ पर नाम आएगा जिसको मिला है और यहाँ पर पता आएगा और यहाँ पर कितना पैसा मिला है, ये शायद ऐसा कुछ। अगर आप उड़िया जानते हो तो कमेंट सेशन में बताओ कि क्या लिखा है। हाँ तो भाई लोग उड़ीसा में काम हो गया है, अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं फिर से घर अपने गाँव। हाँ तो भाई लोग जस्ट घर पहुँच गए हैं उड़ीसा से, और अभी थोड़ा सा खाना वाना खा लेते हैं, भूख लगी है क्योंकि दोपहर के 1 बज गए हैं। हाँ तो भाई लोग जस्ट मैं ऊपर से नीचे उतरा फ्रेश होने के लिए, तो यहाँ पर माता जी सुखाई है कुछ चने और दाल, तो इसकी रखवाली कर रही है पास में एक बिल्ली। मैं आऊं। हाँ तो भाई लोग इमरजेंसी में केसकाल आया था तो सोचा बाल कटवा लूं, दाढ़ी बनवा लूं, तो बाल बाल कटवा लिया, दाढ़ी सेट करवा लिया। तो दोस्तों कुछ कुछ और काम है तो उस काम को निपटा लेते हैं, उस टाइम का तो वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, उसके लिए सॉरी। वैसे फिलहाल इस ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं, पसंद आए तो वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।